नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम भाग्योदय लाइव में, इस कामना के साथ कि आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास हो, तमाम तकलीफें आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। मंगल के ऊपर चर्चा करेंगे, मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे, मंगल के शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव के बारे में, दूर करेंगे आपकी भ्रांतियां जिसकी वजह से आप डरे रहते हैं मंगल ग्रह से, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मंगल हमेशा ही अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मंगल के साथ कौन कौन से ग्रह हैं जिनकी युतियों की वजह से जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन इसके अलावा जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने वर्तमान को कैसे ठीक करें उसके बारे में, तो आप अभी कॉल कर सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। चलिए करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। सबसे पहले स्वागत करेंगे पंडित संदीप शास्त्री जी का। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। चर्चा कर रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह के शुभ और अशुभ दोनों ही प्रभावों के बारे में, साथ ही साथ किस तरह आपके जीवन में अद्भुत शिव शक्ति कवच के माध्यम से एक चमत्कारिक बदलाव आ सकता है, इसके बारे में भी जरूर मैं जानकारी प्राप्त करूंगी। अभी आपने देखा ही कि अद्भुत शिव शक्ति कवच के माध्यम से जीवन की तमाम परेशानियों को दूर किया जा सकता है और शिव और शक्ति दोनों की कृपा, दोनों का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। आप किसी भी प्रकार की परेशानी में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, तो जरूर मंगवाएं अद्भुत शिव शक्ति कवच। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी एक बार फिर से। अब मैं जानना चाहूंगी आपसे मंगल और शनि के बारे में, ये युति जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालती है। जी जी, देखिए यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मंगल और शनि की युति जब होगी, तो अगर मंगल और शनि की युति हुई है कहीं 1, 4, 7, 8 और 12वें घर में, अगर इन घरों में मंगल की युति होती है, तो जातक कहीं ना कहीं मंगल के होने के कारण लोग मांगलिक बोलते हैं, लेकिन शनि चूंकि एक अशुभ ग्रह है, एक पाप ग्रह है, तो जब शनि साथ में बैठ जाता है तो ये मांगलिक दोष यहाँ पे पूर्ण रूप से खंडित हो जाता है। उस मांगलिक दोष का कोई मायने नहीं रह जाता है, वो मंगल दोष कहीं ना कहीं एक प्रकार का जो है योग बन जाता है। और मंगल शनि जब साथ में आते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मंगल और शनि दोनों एक दूसरे के परम शत्रु माने गए हैं, और जब ये साथ में आते हैं तो मांगलिक दोष खंडित तो होता है, मांगलिक दोष का कोई असर नहीं रह जाता है, लेकिन यहीं पे सबसे ज़्यादा दिक्कत और सबसे ज़्यादा परेशानी विवाह को लेकर होती है जातक को, क्योंकि ऐसी दशाओं में विवाह होने में उतनी दिक्कत नहीं आती है, विवाह होने में उतनी परेशानी नहीं आती है, लेकिन विवाह के उपरांत जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, वो परिस्थिति जीवन में कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा इस प्रकार बदलता है कि वो जीवन में अपने भूल नहीं पाता है कि शादी इस प्रकार का भी विवाह और वैवाहिक जीवन होता है, क्योंकि मंगल और शनि दोनों, मंगल भी प्रभावी ग्रह है, मंगल भी और शनि भी कहीं ना कहीं प्रभावी ग्रह है, जब ये दोनों साथ में बैठेंगे मंगल दोष तो खंडित करेंगे, लेकिन विवाह जीवन जो होगा, वैवाहिक जीवन, उसको भी पूर्ण रूप से खत्म कर देते हैं जी। ये चीज देखा गया है जी। तो अब ये चीज जानेंगे तो आप अपने विवाह को भी मजबूत कर लेंगे। वहां पे जहां पे ये परिस्थिति, जिसकी भी कुंडली में, जिस जातक की कुंडली में मंगल और शनि की युति हुई है, जातक का विवाह अभी जल्दी में ही हुआ या हो गया, और वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है, तो आज ही मंगल और शनि का शिवलिंगाष्टक सर्ववाधक सिद्धिकरण, ये वैदिक पूजा का नाम है, ये वैदिक पूजा किसी वैदिक ब्राह्मण से करवाएंगे, तब आपके जीवन में आपको विवाह का जीवन सुख मिल पाएगा, वैवाहिक जीवन का सुख मिल पाएगा जी। क्योंकि मंगल और शनि अगर साथ में बैठे हैं तो ये आपके जीवन को और वैवाहिक जीवन को भ्रष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आज ही इस उपाय को किसी वैदिक ब्राह्मण से, किसी ज्योतिर्लिंग पे करवाएं। 12 ज्योतिर्लिंग जो सिद्ध हुए हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में, उन 12 ज्योतिर्लिंग पे किसी एक पे करवाना है ये उपाय। बिल्कुल, तो इसका वैदिक हम कह सकते हैं सिद्धि करवानी है, वैदिक पूजा करवानी है अगर
मंगल और शनि की युति आपकी कुंडली में होती है। एक चीज और, किसी भी ग्रह में यदि मंगल और शनि बैठे हों, वो किसी भी भाव में, या फिर हम ये पर्टिकुलर कुछ भाव हैं जिसमें व्यक्ति मांगलिक माना जाता है, उसी में युति हो, तभी पूजा करवानी चाहिए, तभी उपाय करना चाहिए, या कुंडली के 12 में से किसी भी भाव में मंगल और शनि की युति है तब भी पूजा करवानी बिल्कुल चाहिए? सही, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया और सभी दर्शकों के लिए ये प्रश्न जो है बहुत लाभकारी साबित होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंगल और शनि को लेकर के हमेशा परेशान रहते हैं और मंगल और शनि को लेकर के हमेशा भयभीत रहते हैं। अभी तो मैंने ये बताया कि जब मांगलिक दोष बनता है और मांगलिक दोष बनने के साथ साथ में अगर शनियों की युति होती है मंगल के साथ में, तो क्या प्रभाव पड़ता है जीवन पे। अब हम बताएंगे कि मंगल और शनि की युति 12 घर में अगर किसी भी घर में होती है, उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं कि अगर अब मंगल और शनि की युति हुई है एकादश भाव में, जिसे हम कुंडली में लाभ स्थान कहते हैं, अगर लाभ स्थान पे मंगल और शनि की युति हुई है, तो एक चीज निश्चित तौर पे जान ले कि जातक कितना भी मेहनत परिश्रम कर ले, कितना भी जो है कार्य कर ले और कितना भी बिजनेस कर ले, कितना भी व्यापार कर ले, लेकिन कभी भी 100% लाभ जीवन में नहीं मिलते हैं और करियर को लेकर के और फाइनेंस को लेकर के, लाभ को लेकर के, वो चाहे किसी भी प्रकार के लाभ हो, लाभ को लेकर के परेशान रहेगा जब मंगल की और शनि की युति लाभ स्थान पे होती है, क्योंकि वहां पे हमेशा विद्रोह ही बना रहता है। लाभ जब होना की बात आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई अड़चन और 50 तरीके की बातें आएंगी। तो ये चीज जब तब होगी जब मंगल और शनि की युति एकादश भाव में होगी। इसी क्रम में मंगल और शनि की युति जिस घर में होगी, उस घर से संबंधित सुख जो है व्यक्ति को जीवन में कम मिलते हैं, क्योंकि वहां पे हमेशा विद्रोह ही बना रहता है। जी और जब भी मंगल और शनि की युति छठे, आठवें अथवा 12वें भाव में होता है, क्योंकि ये 3 घर कुंडली में सबसे अशुभ घर माने गए हैं, और ये 3 घर में अगर कुंडली में मंगल और शनि की युति है, तो ये युति जीवन में व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियों में डालता है और ऐसी समस्याएं देता है जो जीवन को एक प्रकार से तहस नहस या पूरी तरीके से बर्बाद करने की परिस्थिति तक लाके खड़ा कर देता है। जब इन 3 घरों में मंगल शनि की युति होती है, छठे, आठवें और 12वें, ये चीज नोट करके रखेंगे, इस चीज को समझेंगे, जानेंगे, तभी उपाय आप कर पाएंगे। अगर आप समझेंगे ही नहीं तो उसका कोई उपाय भी नहीं होगा, उसका कोई जो है रेमेडी ही नहीं होगी, उसका कोई निराकरण ही नहीं होगा। तो आप समझें, फिर आप इसका जी उपाय करें, जी फिर आप देखें कि आपके जीवन में किस प्रकार का बदलाव आता है। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश किए जा रहे हैं, साथ ही साथ शिव शक्ति कवच भी आप मंगवा सकते हैं, जीवन की तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं, उसके लिए नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश किए जा रहे हैं। मुझे माफ करिएगा क्योंकि मैं जानना तो बहुत कुछ चाहती हूँ पर समय इजाजत नहीं दे रहा है। बाकी जो उपाय हैं उनको जरूर जानूंगी आने वाले एपिसोड्स में। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार। और दर्शकों, फिर होगी आप सभी से मुलाकात, तब तक आप देखते रहिए एहसास टीवी, एहसास जिंदगी का, आभास संस्कृति का। नमस्कार। अगर आप घरेलू, पारिवारिक, आर्थिक, मानसिक एवं राजनीतिक समस्याओं के साथ गृह दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष से हैं परेशान और इन सभी समस्याओं का चाहते हैं ज्योतिषीय समाधान, तो पंडित संदीप शास्त्री चंद्रभूषण जी से संपर्क करें। पंडित जी से व्यक्तिगत मुलाकात, परामर्श तथा भाग्योदय लग्नांक कुंडली प्राप्त करने हेतु इन नंबरों पर कॉल करें 0978-1842-4267, 0996-815-3443, 0981-1872-1। हमारी ईमेल आईडी है bhagyoday.astro@gmail.com और वेबसाइट www.bhagyodayastroservices.com पर लॉग इन करके भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एहसास टीवी के कार्यक्रम को आगे देखने के लिए
आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर। वीडियोकॉन D2H के लिए 484 नंबर पर देख सकते हैं, सिटी पे 88 नंबर पर, हैथवे पे 827 नंबर पर, डेन पे 863 नंबर पर और फास्टवे के 415 नंबर पर अब आप अपना एहसास टीवी चैनल देख सकते हैं।